हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं फुल डिटेल ऑफ मीटर। दोस्तों, ये गाड़ी का डिजिटल मीटर है। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आपको भी पता होगा मीटर में कौन कौन से साइन आते हैं और किस साइन के आने पर हमें क्या करना चाहिए। आपके पास गाड़ी है और आपको ये नहीं पता कि आपके पास जो साइन मीटर में दिखाई दे रहा है उसके आने पर आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लगातार और देखते रहिए अंत तक। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा साइन आने पर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास जो मीटर है, ये मीटर है दोस्तों स्विफ्ट डिजायर VDI का। दोस्तों, ये 2008 से लेकर 2012 तक आने वाली मॉडल की डिजायर का मीटर है। ये मीटर दोस्तों VDI और ZDI मॉडल में आता था। स्विफ्ट डिजायर में दो मॉडल है दोस्तों। पहला मॉडल है पेट्रोल वेरिएंट, दूसरा मॉडल है दोस्तों डीजल वेरिएंट। आज हमारे पास जो मीटर है दोस्तों ये डीजल वेरिएंट का है, लेकिन इसमें और उसमें जो कि पेट्रोल वेरिएंट का मीटर है दोस्तों, उसमें और डीजल वेरिएंट के मीटर में साइन सेम ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस रहता है जो कि आपको देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको ये बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये जो दोस्तों मीटर देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे साइन भी नज़र आएंगे, जैसे कि ये साइन है दोस्तों, ये यहाँ पर साइन है, ये भी साइन है दोस्तों, ये भी साइन है। इस प्रकार इस मीटर में बहुत सारे साइन दिए हुए हैं। आप ड्राइव करते समय कई बार देखते हैं कि आपके मीटर में कुछ एक साइन ब्लिंक करने लगते हैं और आपको पता नहीं होता कि उन साइनों के ब्लिंक करने पर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं डिटेल ऑफ साइन। तो चलिए दोस्तों, स्पीडोमीटर से शुरू करते हैं दोस्तों। जो आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है इसका स्पीडोमीटर। इसमें आपको गाड़ी की स्पीड बताएगा जो कि 0 से 200 किलोमीटर प्रति आवर है। ये जो साथ में मीटर देख रहे हैं दोस्तों, आपको 0 से 6 तक ये बताएगा दोस्तों आपको RPM रिवॉल्यूशन। और दोस्तों इस तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं दो मीटर, जो कि ये है दोस्तों फ्यूल मीटर और ये है दोस्तों आपका हीट मीटर। तो दोस्तों, जब भी आप गियर अप या डाउन करते हैं तो आपको RPM मीटर अप डाउन होता दिखाई देगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि RPM आपके कितना है। तो ये जो दोस्तों इस तरफ आप फ्यूल मीटर देख रहे हैं, इस मीटर में आपके फ्यूल दिखाता है कि आपकी गाड़ी में अभी कितना फ्यूल है। दोस्तों, जब भी आप टंक फुल करवाएंगे तब आपको इसमें दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल मीटर का साइन यहाँ तक हो जाएगा, इसका मतलब आपकी टंकी में फ्यूल फुल है। जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हीट मीटर। अगर आपकी गाड़ी में हीट मीटर का साइन यहाँ है बराबर, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी ओवर हीट नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का जो साइन इससे ऊपर चला जाए दोस्तों, इस रेड मार्क से अप हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपकी गाड़ी ओवर हीट होना शुरू हो गई है। तो इस स्थिति में आपको दोस्तों गाड़ी को कुछ देर के लिए रोक देना है और समय मिलने पर आपको मारुति सुजुकी के जेन्युइन स्टोर पर चेक करवाना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मेजर साइन के बारे में। ये साइन है दोस्तों वाटर इन फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट फॉर डीजल ओनली। दोस्तों, ये साइन आने पर ये दिखाएगा कि आपकी गाड़ी में जो रेडिएटर का पानी है, जो कि आपकी गाड़ी को कूल करने का काम, इंजन को कूल करने का काम करता है, वो पूरा खत्म हो गया। चलो दोस्तों, आगे का जो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट। दोस्तों, ये डीजल मीटर में ही डीजल में VDI मॉडल में रहेगा, LDI मॉडल में नहीं रहेगा। इफ़ द कूलेंट टेम्परेचर इज कूल एनफ दिस लाइट कम्स ऑन व्हेन द इग्निशन स्विच इज टर्न टू द ऑन पोजिशन एंड गोज व्हेन द ग्लो प्लग इन हीटेड एनफ फॉर इंजन स्टार्टिंग। दोस्तों, कई बार आप देखते हैं सर्दियों में गाड़ी आपके स्पार्क कर लेती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। इस तरह से आप चाबी को एक दो बार ऑन ऑफ करेंगे तब आपके ये निशान आ जाएगा, और ये निशान आने का मतलब है दोस्तों कि आपकी गाड़ी अब स्टार्ट होने के लिए प्रॉपर हीट हो गई है। हमारा अगला जो साइन है दोस्तों, ये है
इंडिकेटर का जो कि रियर फॉग लाइट का है। दोस्तों ये ऑन होने पर आपको ये पता चल जाएगा कि रियर में फॉग लाइट ऑन है। आगे जो लाइट है दोस्तों, आपकी गाड़ी के जो पास में एक डंडी होती है उस पर दो लाइट रहती है दोस्तों, एक सीधा जो पड़ता है हाई बीम और एक होता है दोस्तों लो बीम। तो दोस्तों ये है मेन बीम, जिसे हाई बीम भी कहते हैं, ये सीधा आपकी लंबी दूरी के लिए काम में आता है और ये हमेशा लो बीम हाई बीम होने पर ही चालू रहता है। ये है दोस्तों टर्न सिग्नल लेफ्ट और राइट मुड़ने के लिए। आगे दोस्तों ये है ईपीएस, कई मॉडल में ईपीएस की जगह इस तरह से स्टीयरिंग बना हुआ भी आता है। इसका मतलब है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ठीक है। अगर ये गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने के साथ ही चली जाए इसका मतलब आपके पावर स्टीयरिंग ओके है, और अगर गाड़ी के ऑन होने के साथ ये रहता है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो पावर स्टीयरिंग है वो ख़राब हो चुका है और आपको मारुति सुजुकी स्टोर पर संपर्क करना चाहिए। हमारा अगला साइन है दोस्तों जो कि इस तरह से है, ये दोस्तों है ओपन विंडो के लिए। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी विंडो ओपन है तो आपके डैशबोर्ड में आपके मीटर में इस तरह का साइन आएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन सी तरफ वाला डोर ओपन है। इस तरफ रहेगा दोस्तों तो इस तरफ की लाइट ओपन होगी और इस तरफ रहेगा दोस्तों तो इस तरफ की लाइट ओपन होगी। दोस्तों ये साइन है आपके, ये भी साइन दोस्तों ऑन पोजीशन के साथ में, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो ये साइन आएगा और जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं तो ये साइन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑन ही रहता है, गाड़ी इंजन स्टार्ट होने के साथ ये भी ऑन रहता है, तो इसका मतलब है दोस्तों आपकी गाड़ी में खराबी है। और ये है दोस्तों सर्विस व्हीकल सून, इसका मतलब आपको डीलर से संपर्क करना चाहिए। आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा या उसमें कोई ना कोई खराबी आ चुकी है। हमारा जो अगला निशान है दोस्तों ये है इम्बोलाइजर का। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार चाबी खो जाने पर आप चाबी वापस बनवाते हैं, चाबी बन तो जाती है लेकिन इम्बोलाइजर से कनेक्ट ना होने पर आपकी गाड़ी जो स्टार्ट तो होती है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाती है। स्टार्ट होने के लिए इंजन राउंड लेता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इम्बोलाइजर सिस्टम के साथ में की का मैच होना बहुत ज़रूरी है। ये तो दोस्तों ये साइन है माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट इसे कहते हैं। दोस्तों अगर ये आपके गाड़ी में ऑन रहता है तो इसका मतलब आपके गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ECM। ECM में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ECU और ECM। ये होने पर भी आपको सर्विस डीलर से संपर्क करना चाहिए। ये दोस्तों एयरबैग लाइट का, इसका मतलब है दोस्तों अगर ये आने के बाद में गाड़ी के स्टार्ट होने के साथ ही चला जाए इसका मतलब है आपका एयरबैग ओके है। अगर ये बना रहता है तो इसका मतलब है आपके एयरबैग सिस्टम में कोई ना कोई खराबी हो चुकी है। यह दोस्तों सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, इसका मतलब है अगर ये लाइट ड्राइव करते समय भी बार बार ब्लिंक होती रही तो इसका मतलब है आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। ड्राइव करने से पहले प्लीज़ आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, अपनी जान बचाएं। यह दोस्तों ऑयल प्रेशर लाइट, अगर ये निशान आता है तो इसका मतलब है दोस्तों ये भी सेम सिस्टम है दोस्तों, गाड़ी के स्विच ऑन होने के साथ आएगा और जैसे ही आप स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद में ये चला जाएगा। अगर ये ड्राइव करते समय भी लगातार बना रहे तो इसका मतलब है आपके इंजन में ऑयल कम है, ऑयल का प्रेशर नहीं है। आपको मारुति सुजुकी डीलर या लोकल डीलर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी में इंजन का ब्लॉकेज नहीं हो। आगे लाइट है दोस्तों चार्जिंग लाइट, इस लाइट को ये लाइट है दोस्तों चार्जिंग लाइट, ये गाड़ी स्टार्ट करने के साथ ही आएगा और गाड़ी के ऑन होने पर चला जाएगा। अगर लगातार ये लाइट बना रहता है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है और आपके अल्टरनेटर में गड़बड़ हो चुकी है। ये लाइट ऑन होने के बाद चली जाए तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में अल्टरनेटर बराबर करंट दे रहा है। आगे जो लाइट है दोस्तों ये है ABS लाइट, आज EBS भी आने लग गया है, और ये है दोस्तों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपके व्हील को ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली रोकने का काम करता है। यह दोस्तों ब्रेक लाइट अगर ये लगी रहे तो इसका मतलब है आपका जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ है, और जैसे ही आप हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे उसी के साथ ये लाइट भी चली जाएगी। दोस्तों ये है वापस हमारा, आपने पहले देखा था स्विफ्ट डिजायर वीडियो का मीटर, और ये है दोस्तों स्विफ्ट डिजायर एलडीआई मॉडल का मीटर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे साइन ऑफ डिटेल। कैसी लगी आपको जानकारी? अगर कोई कमी है, अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।